नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा इस प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जामिनेशन की डेट या तारीख घोषित की गई है। जी हाँ, हम उसी री एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। तो आइए इस पर हम गहनता से चर्चा करते हैं। ये कुल जो भर्ती होनी थी 60,240 पदों पर होनी थी, किसी कारणवश इसका जो पेपर था वो लीक हुआ था। तो इसमें हमें प्रेस नोट में क्या देखने को मिलता है कि इसकी परीक्षाएं की जो डेट्स हैं या तारीखें हैं वो कौन कौन सी हैं, और एक दिन में कितने जो पाली में परीक्षा की जाएगी। जी हाँ, दो पालियों में परीक्षा कराई जाएगी और एक पाली में लगभग इसमें 5 लाख विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे। जी हाँ, एक बार स्टडी कर लेते हैं, ऊपर से इसको रीड कीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन, ये आयोजन कब होना है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,240 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23/8/2024, मतलब 23 अगस्त 2024, फिर 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, इन 5 दिनों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जी हाँ, ये डेट निश्चित हो चुके हैं, आप चाहें तो इन तारीखों को इन डेट्स में आप नोट कर सकते हैं, लेकिन किस विद्यार्थी का किस डेट में कहाँ पर है ये बाद में परीक्षा जब आयोजित की जाएगी उससे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। एक और नोटिस इसके बाद आएगा, फिर इसके प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, उस पर वो जिला पहले देंगे या फिर उसमें सेंटर का नाम भी देंगे, ये बाद में विज्ञप्ति में हमें पता दिया जाएगा। जी हाँ, तो डेट क्या थी इसकी, 23 अगस्त 24 अगस्त 25 अगस्त 30 अगस्त और 31 अगस्त को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, आगे देखते हैं। और इसमें इस बार या जो यात्रा हमारा भत्ता है, यानी कि आने जाने का जो किराया होगा, वो बिल्कुल फ्री होगा बसों के माध्यम से। जी, और एक दिन में दो पालियों में किया जाएगा, लगभग 5 लाख विद्यार्थी इसमें इसमें शामिल किए जाएंगे। कितने, 5 लाख एक पाली में, 5 लाख। और जिसमें यात्रा होगी, यात्रा बिल्कुल फ्री होगी, केवल हमें उन्हें दो पर्ची देनी, एक बार जाने पर एक बार आने पर, जो प्रवेश पत्र हमारा होगा, एडमिट कार्ड। आगे देखते हैं इसमें दूसरा क्या लिखा है, अवगत कराना है कि यह परीक्षा पूर्व में निरस्त कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया था कि यह परीक्षा 6 माह के अंदर सुचिता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः आयोजित कराई जाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित कराने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यक्रम घोषित किया गया है। जी हाँ, इस बार बिल्कुल फ्री फेयर एकदम होगा, तो उसमें कोई ऐसी संभावना नहीं बची है कि पेपर लीक हो सकता है या किसी अनुचित साधन का उसमें प्रयोग किया जा सकता है, चूंकि कड़े कानून इस बार लागू हैं। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है या पेपर लीक का मामला आता है, उसको आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए या फिर दोनों का ही प्रावधान है, उसके ऊपर ये जुर्माना देना होगा। तीसरा नियम देखिएगा आप इसका, थर्ड, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में परीक्षा संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं यथा परीक्षा की तैयारी, परीक्षा केंद्रों का चयन या फिर परीक्षार्थियों के सत्यापन 26 जून होने रोके जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 19/6/2024 को जारी किए गए थे। आप ये भी देख सकते हैं जो 19 जून को जारी किए गए थे कुछ नियमावली, यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार ही की जाएगी, ठीक है, जो उसमें मानक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जी, नकल करना या फिर नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना, प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आएंगे जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होंगे, और ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ तक का जुर्माना, देखना याद रखिए, 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की या फिर दोनों ही हो सकती है। 1 करोड़ रुपए उसको जुर्माना देना पड़ेगा, आजीवन कारावास जिसमें लाइफ सेंटेंस, यानी कि आजीवन कारावास लाइफ सेंटेंस की उसमें सजा होगी, या फिर आजीवन कारावास 1 करोड़ रुपए दोनों, इस बार ये प्रावधान है, तो सजा के इसमें कड़े प्रावधान है,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ऐसा लग रहा है कि इसमें ऐसी कोई पेपर लीक की या फिर कोई आपराधिक टेंडेंसी की कोई प्रवृत्ति इसमें शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि अपराधी ये सब कुछ जानते हैं, इसका दंड हर्जाना क्या होगा। अभी तक ऐसा कोई कानून लागू नहीं था, इस बार यूपी में पहली बार कानून लागू होने जा रहा है। नंबर 5 देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा उपरोक्त उल्लिखित तिथियों में आयोजित की जाएगी। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है, क्योंकि बीच में एक बड़ा फेस्टिवल भी है, त्योहार भी है, तो उसको भी ध्यान रखा गया है। उक्त तिथियों को प्रतिदिन 2 पालियों में यह निश्चित परीक्षा संपन्न होगी तथा प्रति पाली में लगभग 5,00,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। जी हाँ, प्रतिदिन कितनी होंगी? 2 पालियों में, है ना, 2 शिफ्ट में होगी, और एक शिफ्ट में कितने अभ्यर्थी होंगे? लगभग 5,00,000, और ये कितने दिनों तक होगी? 5 दिनों तक। इसमें 23 अगस्त, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को, यानी कि 31 अगस्त तक ये परीक्षा संपन्न होनी है। प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी और एक परीक्षा में या एक पाली में लगभग 500 अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। जी हाँ, नेक्स्ट 6 इंपोर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार, देखना, निशुल्क बस सेवा, ये निशुल्क बस सेवा दी जाएगी, इसमें रेलगाड़ी का इसमें प्रावधान शायद इसमें नहीं है, तो निशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होगी, यानी कि 2 कॉपी हमारे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा के लिए, जब हम एग्जाम देने जाएंगे, एक तो जाने के लिए कंडक्टर को देनी पड़ेगी, एक आने के लिए देनी पड़ेगी, तो जनपद तक की यात्रा और दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा। जी, तो जो हमारा प्रवेश पत्र होगा उसकी हमारे पास 2 अतिरिक्त प्रतियां होनी चाहिए जो एक्स्ट्रा डाउनलोड की जाएंगी। उसमें क्या, एक तो कंडक्टर को हमें जाते समय देनी है और एक वहां से आते समय, वो अपने जनपद तक, जिस जनपद में भी हमारा सेंटर होगा, समझ लीजिए कि हमारा यहाँ से सहारनपुर से मेरठ में सेंटर है, तो जब हम सहारनपुर से मेरठ के लिए जाएंगे, एक तो सहारनपुर से मेरठ के लिए जाते हुए बस कंडक्टर को देनी है, दूसरा मेरठ से सहारनपुर आते हुए बस कंडक्टर को देनी है, तो 2 ये अतिरिक्त हमारे पास प्रतियां होनी चाहिए। तो आप अगर इसकी नोट डाउन करना चाहें, जो परीक्षा तिथियां हैं, मेन चीज इसमें यह है कि एक तो कब होगा ये, कि 23 को होगा, एक 24 अगस्त को, 25 अगस्त को, और एक आ जाएगा इसमें 30 अगस्त, और एक आ जाएगा 31 अगस्त। तो जी हाँ, ये 5 दिन जो हमारे होंगे, इन 5 दिनों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, अभी सेंटर या फिर परीक्षा केंद्र वो बाद में घोषित किए जाएंगे, अभी उसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि 23 तारीख को जो पहले पाली में होना है, तो इससे पहले पहले ही होना है। तो समझिए, आज डेट कितने, 25, वो 23 से ये परीक्षा, तो लगभग 1 महीने से भी कम हमारे पास समय है। तो विद्यार्थियों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी को अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए, उसके जितने भी PYQs होंगे, PYQ को आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभकारी होगा। जी, तो इससे संबंधित जो भी डाउट या आपके कोई सजेशन हो, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, और हम इसकी अपने चैनल पर स्पेशल क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जो विशेष पढ़ाया जाएगा, और जो पुलिस अभिरुचि का इसमें एक पोर्शन ऐड किया गया है, वो भी अभी हमारी लगभग साइंस खत्म हुई थी, तो GK का काफ़ी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका। जी, ओके, थैंक यू।